नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आज यूपीएससी की परीक्षा है, तो जितने भी अभ्यर्थी यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं अध्ययन परिवार से, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका परीक्षा बहुत अच्छे से जाए, यही उम्मीद है, और पीटी आप लोग पास भी करें, मेंस भी दें, यही आप लोगों के लिए मेरी भगवान से प्रार्थना है। अब आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भागों के बारे में, संविधान के प्रमुख भागों के बारे में हम लोगों ने देखा था, और अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में देखा था कि किस विभाग में कौन से मंत्री थे। आज हम लोग अनुसूचियों के बारे में देखने वाले हैं, और इन तीनों टॉपिक्स से हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपका न छूटे, यह मेरा प्रयास है। ये टॉपिक्स मैं पढ़ाना भूल गया था, या फिर मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि अन्य किताबों में ये टॉपिक्स होते हैं और बहुत जगह आपको ये टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग सवाल खड़े करने लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इनको भी पढ़ा ही दिया जाए, और क्यों छोड़ा जाए, एक दो क्वेश्चन अगर आते ही हैं तो क्यों छोड़ा जाए, वीडियो क्यों ना उपलब्ध हो। ठीक है, तो आज हम लोग प्रमुख अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया था, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में उसमें विभिन्न संशोधन किए गए, और संविधान संशोधन करके और उसमें 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। आइए देख लेते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। प्रथम अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची में विषय क्या है वह यहाँ पर दिया हुआ है, और आपका अनुच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने 3 वर्ग बनाए हैं इसके, ठीक है, और तीनों में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रथम जो अनुसूची है उसका विषय क्या है, हम लोग यदि देखें तो राज्यों के नाम इसमें दिए गए हैं एवं उनके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। यदि कोई नया राज्य जोड़ना हो तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि यदि कोई नया राज्य जोड़ना हो, कोई नया राज्य बनाया जाता है, तो उसके लिए किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, तो प्रथम अनुसूची में ही संशोधन किया जाएगा, यह उत्तर होगा। ठीक है, यह पूछा जा चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो विषय है वह मैंने बताया कि राज्यों के नाम दिए गए हैं एवं उनके न्यायिक क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम भी दिए गए हैं और उनके सीमाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची यही है। अनुच्छेद इसमें 1 एवं 4 हैं। यहाँ पर जो मैं अनुच्छेद बता रहा हूँ वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपको अनुच्छेद नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ से केवल अनुसूची के बारे में पूछा जाएगा कि किस अनुसूची का क्या विषय है। ठीक है, फिर भी मैंने अनुच्छेद लिख दिया है क्योंकि सूची में लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों इत्यादि के बारे में बताया गया है, वेतन भत्तों एवं पेंशन इत्यादि के बारे में बताया गया है। ठीक है, देख लेते हैं विषय। परिलब्धियां, पर भत्ते, विशेषाधिकार एवं संबंधित प्रावधान, मतलब वेतन भत्ते एवं पेंशन इत्यादि से जुड़े हुए, और वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं राज्यसभा के उपसभापति। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, आपका राज्यपाल हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका विधानमंडल के जो आपके देखते हैं हम लोग, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति हैं। इसके अलावा आपका भारत के नियंत्रक एवं मुख्य लेखा परीक्षक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं इसमें।
अब देख लेते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तो तीसरी अनुसूची में यदि हम लोग देखें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथों एवं उसके प्रारूपों का जिक्र किया गया है। मतलब विभिन्न पदाधिकारी अपना पद धारण करने से पहले क्या शपथ लेंगे और उस शपथ का प्रारूप क्या होगा, इसके बारे में तीसरी अनुसूची में जिक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो पदाधिकारी हैं। पहला है संघ के मंत्री, मतलब जो आपका केंद्र सरकार के जो मंत्री होंगे उनके शपथ के प्रारूप है, ठीक है। इसके बाद है आपका संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। और इसके अलावा है संसद सदस्य, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा राज्य के मंत्री, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, राज्य विधान मंडल के सदस्य एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अनुसूची दो में वेतन एवं भत्तों का जिक्र है, तो अनुसूची तीन में जो जिक्र है उनके शपथ के प्रारूपों का जिक्र है। अच्छा, यहाँ पर अनुसूची तीन में याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रपति का जो आपका शपथ का प्रारूप है और राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन जो है वह तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है, वह अनुच्छेद 60 में दिया गया है अलग से, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो राज्यपाल का जो शपथ का प्रारूप है वह अनुच्छेद 159 में दिया गया है अलग से, यहां पर नहीं दिया गया है। तो वेतन एवं भत्तों का जिक्र किया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का, लेकिन जो शपथ का प्रारूप है उसका जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो उपराष्ट्रपति के शपथ का भी प्रारूप जो है वह तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है, वह अनुच्छेद 69 में दिया गया है। तो यह तीनों चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में 69 में, और आपका राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में, मतलब 159 में। यह तीनों याद रखिएगा, अनुसूची तीन में नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथी अनुसूची देख लेते हैं। तो चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित तो होंगी, इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, यह सूची जो है आपका यह दिया गया है आपका चौथी अनुसूची में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 4 एवं अनुच्छेद 80 आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पांचवी अनुसूची, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में दिया गया है, उपबंध दिया गया है, विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं कि वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि पांचवी अनुसूची में क्या विषय दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध इसमें दिए गए हैं। और छठी अनुसूची जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, कई बार पूछा जा चुका है कि छठी अनुसूची जो है वह किन किन राज्यों से संबंधित प्रावधान उसमें दिए गए हैं। तो इसमें चार राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तीन चार बार पढ़ लीजिए तो याद हो जाएगा आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ठीक है। यह जो है आपका छठी अनुसूची में दिया गया है, इनके प्रशासन के बारे में और नियंत्रण के बारे में, ठीक है, कि यहां पर प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, यहां पर जो प्रशासनिक नियंत्रण होगा वह किस प्रकार का होगा। चार राज्य इसमें सम्मिलित है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में। तो सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार के विषय दिए गए हैं, पहला है संघ सूची का विषय, दूसरा है राज्य सूची का विषय और तीसरा है समवर्ती सूची का विषय। इसमें ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो है वह आप जानते हैं कि मतलब संघ जो है वो अलग कानून बनाती है और राज्य जो है वो अलग कानून बनाती है। जो आपका केंद्र सरकार की के लिए जो विधायिका होती है वह संसद होती है, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं, और राज्य
के लिए, राज्यों के लिए अलग आपका विधानमंडल होता है जिसमें विधानसभा एवं विधान परिषद आते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार संसद में क्या क्या कानून बनाएगी उसका अलग विषय है, किन विषयों पर कानून बनाएगी उनका जो जिक्र किया गया है वह संघ सूची में किया गया है। मूल रूप से 97 विषय थे और अब जो है वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य सूची, तो इसमें है कि राज्य विधानमंडल जो है वह किन किन विषयों पर अपना कानून बनाएगी, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राज्य विधानमंडल किन किन विषयों पर अपना सूची बनाएगी यह राज्य सूची में दिया गया है। और इसमें मूलतः 66 विषय थे जो कि वर्तमान में घटकर 61 रह गए हैं, ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद है आपका समवर्ती सूची, तीसरी जो सूची है वह है समवर्ती सूची। इसमें वैसे विषय दिए गए हैं जिन पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन यदि एक ही विषय पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है तो केंद्र का जो कानून होगा वही उसी को वरीयता दी जाएगी, मतलब वही जो होगा मान्य होगा, राज्य का कानून उस विषय में मान्य नहीं होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे जो कि बढ़ाकर 52 कर दिए गए हैं। तो इनमें कौन कौन से विषय, कितने विषय वर्तमान में है यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब हो गए हैं 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब घटकर रह गए हैं 61। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे जो कि अब बढ़कर 52 हो गए हैं। तो यह तीनों सूचियों के बारे में याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा 7वां अनुसूची समाप्त होता है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में अगर हम देखें तो पहले जो है संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं का इसमें सूची दिया गया है। पहले मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन बाद में 8 और भाषाओं को जोड़ा गया संविधान संशोधन के जरिए और यह जो है अभी इसमें टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि इसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है, इसमें 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है, यह जरूर याद रखिएगा। लेकिन फिर भी मिजोरम ने अंग्रेजी को अपनी राज्य भाषा बनाया हुआ है, ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस राज्य की भाषा, राज्य भाषा जो है वो अंग्रेजी है, तो मिजोरम की एकमात्र राज्य वही है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, तो असमिया है, बांग्ला है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं इसमें हैं वर्तमान में, पहले 14 थी, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई हैं, 14 के बाद जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं वो किन किन संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई है वह हम लोग देख लेते हैं। तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा, याद रखिएगा सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आपका कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाल, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद देखते हैं तो बोडी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं थी जो कि सबसे अंत में जोड़ी गई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे अंत में कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसको जो है 92वां संविधान संशोधन 92nd संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को, जो 4 भाषाएं हैं इनको सबसे अंत में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था
2011 में उड़िया का नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया था, क्योंकि उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके तहत अनुच्छेद जो है वह 344 एवं 351 है। आगे देख लेते हैं नवी अनुसूची के बारे में। तो नवी अनुसूची जो है मेनली आपका भू सुधार कानूनों के बारे में है, या फिर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए इसका प्रावधान किया गया था। और इसमें ऐसे कानून जोड़े गए थे शुरुआत में, इसमें ऐसे कानून जोड़े गए थे जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सके, मतलब न्यायिक समीक्षा से कुछ कानूनों को बचाने के लिए जो है उनको संविधान की नवी अनुसूची में जोड़ दिया गया था, ठीक है। भू सुधारों एवं जमींदारी प्रणाली उन्मूलन से संबंधित राज्य विधान मंडलों एवं अन्य मामलों से संबंधित संसदीय विनियम एवं अधिनियम इसमें जोड़े गए थे, जो मूलतः 13 थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 282 हो गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम संविधान संशोधन है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन अब इसमें न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इसमें जोड़ा गया था, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल, याद रखिएगा डेट, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1975 के बाद नवी अनुसूची में जोड़े गए विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आपका 24 अप्रैल 1975 का दिन, ठीक है। और इसमें के तहत अनुच्छेद जो है वह 31 ख आता है, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दसवीं अनुसूची के बारे में। तो दसवीं अनुसूची जो है वह बराबर आप करेंट अफेयर्स में पढ़ते रहते होंगे, दल बदल निरोधी कानून इसमें है, या फिर दल परिवर्तन निरोधी कानून इसको कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। और यह जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था दसवीं अनुसूची। विभिन्न दलों को, विभिन्न नेताओं को देखते हैं आप लोग कि दल बदल बराबर करते रहते हैं, मतलब कि चुनाव जीत करके गए किसी दूसरे दल से, और फिर जो है उस दल की सरकार नहीं बन रही है तो जिस दल की सरकार बन रही है उसमें शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से नेताओं की खरीद फरोख्त भी आप लोग देखते हैं विभिन्न राज्यों में। हाल ही में आप लोगों ने देखा है, कर्नाटक में देखा है, गोवा में देखा है, हाल ही में आप मध्य प्रदेश में भी देख चुके हैं, आप जो है यहाँ पर भी देख चुके हैं, राजस्थान में भी कोशिश की गई थी। तो विभिन्न देश राज्यों में जो है यह कोशिशें की जाती रहती है, विधायकों की खरीद फरोख्त होती रहती है, तो उसी को बचाने के लिए दल बदल निरोधी कानून लाया गया था 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसे संविधान में जोड़ा गया संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके तहत अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं, 102 एवं 191। इसके बाद है आपका 11वीं अनुसूची। इसमें मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब मैं 200 अनुच्छेद 243 से 243 से क से 9 और 243 त से य 6 के बारे में बता रहा था, भाग 9 और भाग क 9 क के बारे में जब बता रहा था, तो मैंने बोला था कि इसका जिक्र जो है वह 11वीं और 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में जिक्र किया गया है, पंचायतों की क्या क्या शक्तियां होंगी इन सब के बारे में, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों की चर्चा इसमें की गई है। और इसे 73वां संविधान संशोधन, मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह जो है 243(6) के तहत आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 12वीं अनुसूची, जो कि आखिरी अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का जिक्र किया गया है, और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है ये सब, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। इसमें कौन कौन सी अनुसूची बार बार पूछी जाती है, तो अनुसूची 2 जो है आपका वेतन एवं भत्तों से संबंधित है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अनुसूची 3 जो है जिसमें आपका शपथ के प्रारूपों के बारे में दिया गया है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका
यह जो है आपका अनुसूची पांच पूछा जाता है, अनुसूची छ पूछा जाता है, अनुसूची सात पूछा जाता है, ठीक है, अनुसूची आठ भी पूछा जाता है और बाकी सब भी पूछे जाते हैं। मतलब इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है मेरे हिसाब से। तो सब अनुसूची जो है उसके विषय जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद भले याद ना हो लेकिन अनुसूची एवं उसके विषय जरूर याद रखिएगा और प्रमुख तथ्य जो मैं परीक्षा के लिहाज से बता रहा हूँ वो भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें मैं बता चुका हूँ प्रमुख तथ्य जो है, राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल का शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में। यह मैंने पहले ही बता दिया अनुसूची 3 के समय। और यह भी मैं बता चुका हूं कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं है लेकिन मिजोरम ने उसे अपनी राज्य भाषा के रूप में अपनाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अनुसूचियों के बारे में देखा। उम्मीद है आपको बहुत लाभ होगा इस वीडियो से और जो भी प्रश्न अनुसूचियों से पूछे जाते हैं उनको हल करने में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी। मैंने 2-3 बार बोल करके पढ़ाया है ताकि आपको याद भी हो जाए, 1 या 2 बार वीडियो देखिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यह याद करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है और इससे पहले जो भाग और जो अंतरिम मंत्रिमंडल का मैंने वीडियो बनाया है वो भी जरूर देख लीजिएगा, उससे भी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो ये तीनों टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं वो आपका अब छूटेगा नहीं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। लाइक भले ना कीजिए लेकिन कमेंट जरूर कीजिए कि भैया क्या प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे में यदि कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाने का तरीका सही नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप तारीफ ही करें, बहुत लोग आते हैं कमेंट में वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा सर, बहुत मदद मिल रहा है सर। ठीक है, आपको मदद मिल रहा है वो भी भावनाएं जाहिर कीजिए, तारीफ किसको पसंद नहीं आती है, लेकिन जो मैं प्रश्न पूछता हूँ वीडियो बनाने के दौरान वो भी आप कमेंट में लिखा करिए। पूरा वीडियो देखिएगा तभी तो कमेंट कीजिएगा, है ना। तो पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए ऑनलाइन, ठीक है। यह भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, डाटा आता है कि 3 मिनट या 4 मिनट लोग देखते हैं, उससे भी कम देखते हैं एवरेज जो व्यू आवर है, तो बड़ा खराब लगता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो पूरा देखा करिए, ठीक, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके, ठीक है। और बस इतना ही कहना था आज, जाते जाते बस इतना और कहूँगा कि पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, पानी को बचाइए, नारी का सम्मान कीजिए, जो बुजुर्ग हैं आपके माता पिता हैं उनका आदर कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, भारतीय सेना का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान कीजिए। इसके अलावा लास्ट में बस जाते जाते इतना कि जीव जंतुओं और पशु पक्षियों तथा छोटे बच्चों पर दया का भाव रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।